क्या जहर खा के लोग मर जाएं क्या, जो खाना नहीं मिल रहा है? लोग तो ये कह रहे हैं अब कि भाई अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम खाने से भूख से मरे या हम जो है कोरोना से मरे। मुझे बता दें आज की आज क्या किसी एक व्यक्ति को भी पूरे महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से 1 किलो अनाज भी मिला क्या अभी तक? मैं रोजाना बात कर रहा हूँ, अभी तक अनाज का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। मीडिया में, टीवी पर तबलीगी जमात की लापरवाही के बारे में बताया जा रहा है। सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन में मरकज में पूरी दुनिया से लोग तबलीग के लिए आते हैं, जो इंसानियत का पैगाम देते हैं। ये नफरत फिरका परस्ती के खिलाफ हैं ये लोग अच्छी बातें करते हैं, कोई गलत बात करते नहीं। जब ये मामला शुरू हुआ तो वहाँ के मौलाना यूसुफ साहब ने पुलिस स्टेशन को लेटर लिखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां आए और इस मुश्किल को हल करें। जब एक तरफ से यह है कि कोई निकल के बाहर जाएगा तो ये कोरोना बीमारी, छुआछूत की बीमारी फैल जाएगी, सबको एक जगह रखना है तो एक जगह रखना है और लोग आए हुए हैं तो फिर उनका बंदोबस्त कौन करेगा? अब जब मुश्किल की घड़ी आ चुकी है तो उन पुलिस वालों को जाकर सरकार से बात करना चाहिए, सरकारी महकमे को इत्तला करना चाहिए कि ऐसी पोजीशन है। आज मुझे नागपुर से, औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से कहां कहां से नहीं फोन आ रहा मुझे कि हम लोग यहां आए थे इलाज के लिए फंस गए, हम आए थे शादी में, बारात में गए थे औरंगाबाद, अब वो जिस दिन बारात शादी थी उसी दिन रात को मैसेज आ गया कि भाई कोई निकल नहीं सकता, लॉकडाउन पूरे देश में हो गया है। अब वो जिसके यहां गए थे वो लोग मेहमान बन गए, वो कहता है मेरे यहां पानी भी नहीं आसिम भाई, मैं करूं तो क्या करूं, वो आ भी नहीं सकते, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और जब हम बात करते हैं सरकार से तो भाई लोग परेशान है तो आप उनका बंदोबस्त नहीं कर रहे हो, आप उनको खाना नहीं दे रहे हो, उनको अलग रखने की जगह नहीं दे रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई कानून का पालन होना चाहिए, तो दोनों बात कैसे एक साथ हो सकती है? क्या जहर खा के लोग मर जाएं क्या, जो खाना नहीं मिल रहा है? लोग तो ये कह रहे हैं अब कि भाई अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम खाने से भूख से मरे या हम जो है कोरोना से मरे। मुझे बता दें आज की आज क्या किसी एक व्यक्ति को भी पूरे महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से 1 किलो अनाज भी मिला क्या अभी तक? मैं रोजाना बात कर रहा हूं, अभी तक अनाज का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार जो है जब दिल्ली में मरकज से लेटर गया और उस पर अमल नहीं हुआ तो उस पुलिस अफसर को और सरकार को ये जवाबदारी देना है कि हाँ गलती हमारी है, उनकी गलती क्या इसमें है? अब जो दिखा रहे हो कि इनकी वजह से यह हो गया, इनकी वजह से यह हो गया, जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, अभी मैं सरकार से कहना चाहता हूं या तो उनको सेफ उनकी जगह पर भेजने का बंदोबस्त किया जाए या तो तुरंत टेलीविजन पर ऐलान करके कहां का कौन फंसा हुआ है उनको रहने और खाने का बंदोबस्त किया जाए तो ये मामला हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।